हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ मॉनसून सीरीज लेकर के आई हूँ। जी हाँ, क्योंकि आज के बाद मैं जितने भी वीडियोस शेयर करूंगी मोस्टली मॉनसून स्पेशल ही होंगे। इसमें आप लोगों के साथ स्किन केयर, हेयर केयर टिप्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी। तो जी हाँ, मेरे जितने भी वीडियोज होंगे मॉनसून के सबको ध्यान से देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए आपसे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉनसून स्पेशल फेस मास्क लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मॉनसून का में हम आप देखते हैं कि हमारी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। हर बार फेस से ऑयल निकलता है, पसीना होता है, जिससे हमारे पोर्स क्लॉक हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल डल सी लगने लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मॉनसून में देखने को मिलती है वो है एक्ने एंड पिंपल। तो जी हाँ दोस्तों, ये फेस मास्क आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देगा, रंग तो साफ करेगा, पोर्स को क्लीन करेगा और एक्ने पिंपल की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आइए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले फेस मास्क को बनाने के लिए आपको जो चीज़ लेनी है वो है नीम पाउडर। जी हाँ, क्योंकि बरसात के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, फेस पे ऑयल निकलता है तो उसके वजह से एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम लगी रहती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लेंगे वो है नीम। आप चाहे तो ताज़े नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ताज़ी पत्तियाँ नहीं थी तो मैंने इस तरीके से पाउडर बना के रखा। और आप देख सकते हैं मेरा जो पाउडर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो इसमें मैं करीब एक चम्मच के करीब नीम का पाउडर लूँगी। जी हाँ, इस तरीके से आपको इसमें पाउडर ऐड करना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से एक चम्मच के करीब इसमें पाउडर लिया। अब नेक्स्ट चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है चंदन पाउडर। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर लाल चंदन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको लाल चंदन नहीं मिलता है तो आप इसी जगह व्हाइट चंदन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें सेम इक्वल क्वांटिटी में चंदन पाउडर यूज़ करेंगे। चंदन पाउडर जो होता है हमें एक्ने को काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है। अगर आपके फेस पर टैनिंग हो रखी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है और साथ में रंग भी निखारता है। तो हम इसमें एक चम्मच के करीब चंदन पाउडर ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक चम्मच के करीब, जैसे मैंने कहा, इसमें हम एक चम्मच के करीब चंदन पाउडर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली, आपको भी ऐसे ही लेना है। इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपको भी ऐसे मिक्स करना है। अब हम इसमें तीसरी और मेन चीज़ जो डालेंगे वो है मट्ठा। जी हाँ, आपको इसे मट्ठे का यूज़ करना है और मैं यहाँ पे ताज़ा मट्ठे का यूज़ कर रही हूँ। इसका हम पेस्ट बनाएंगे इसमें करीब 2 से 3 चम्मच के करीब। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया, इसका हम गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। बात करूँ मट्ठे की, तो मट्ठा जो होता है जिसे हम दही छाछ भी बोलते हैं, ये बेसिकली दही का ही बना होता है। और आप सब जानते हैं कि दही में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, झाइयों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ में स्किन को ठंडक देता है। और एक्ने, पिंपल, स्कार्स हो तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, सन टैन हो, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको पेस्ट बना लेना है। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बढ़िया सा मास्क बन करके तैयार है। अब लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप सारे फेस मास्क लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो मैं आपको फिलहाल हाथों से लगाकर बता रही हूँ। फेस आपका क्लीन होना चाहिए और ये मास्क जो है आपके फेस पे जो ऑयल की प्रॉब्लम होती है वो ऑयल को भी रिमूव कर देगा, साथ में रंग भी निखार देगा। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पे इस मास्क को लगाना है। और ये फेस मास्क जब भी आप लगाएंगे, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इस फेस मास्क को अगर आप लगा करके फ्रिज में रख देते हैं कुछ देर के लिए तो ये फेस मास्क के जो फायदे हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, फेस मास्क मैंने लगा लिया है और इसे हम करीब 10 से 15 मिनटों के लिए लगा करके छोड़ देंगे ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फेस मास्क जो मैंने लगाया है वो ड्राई हो चुका है। अब आपको इसको धोना है। धोने का तरीका ये है कि आपको जब मास्क धोना है तो इस तरीके से अपने फिंगर टिप से इसको मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है ताकि जो हमारी डेड स्किन है वो भी साथ में निकल जाए। तो बस आपको सिंपली ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं फेस मास्क मैंने लगा लिया है और उस मास्क को लगाने के बाद मेरी स्किन जो है वो सॉफ्ट लग रही है। जी हाँ, बात करूँ तो सॉफ्टनेस का मतलब ये नहीं कि इसको लगाने के बाद आपको जैसे हैवी मॉइस्चराइजर होते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं। आपकी स्किन सॉफ्ट हो गई, नेचुरल सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल भी चिपचिप नहीं लगेगा, पसीना बिल्कुल भी नहीं होगा इस फेस मास्क को लगाने से, क्योंकि मैंने इसे मट्ठे का यूज़ किया। मैंने इसमें गाढ़ा दही, क्रीमी दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। बहुत ही दोस्तों, अगर आप इस फेस मास्क को लगाते हैं तो आपकी जो एक्ने की प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने नीम का यूज़ किया है और तीनों का जो कॉम्बिनेशन था वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें मट्ठे की जगह दूध का यूज़ कर सकते हैं या गाढ़ी दही का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप ध्यान सुनिए, अगर स्किन ड्राई है तो हम गाढ़ा दही या दूध का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन ऑयली है, आप इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये फेस मास्क मॉनसून के लिए बेस्ट फेस मास्क है मेरी तरफ से। आप इसे रेगुलर भी लगा सकते हैं, दिन भर में 2 बार भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई साइड इफेक्ट नहीं। टीनेजर के लिए मेरे ख्याल से बेस्ट फेस मास्क है क्योंकि उनको तो ये एक्ने की प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का फेस मास्क।
पास। और ये मेरे बढ़िया सा वीडियो, आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए, आप अपने हस्बैंड को भी इस फेस मास्क को बना करके दे सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा एक तरह ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।